हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में सैमसंग के टॉप 3 बेस्ट फ्लैक्सिप स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें आप अंडर 40,000 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। ये एक फ्लैक्सिप कैटेगरी की प्राइस पॉइंट है, तो फीचर्स भी आपको इन तीनों स्मार्टफोन्स में फ्लैक्सिप लेवल के देखने को मिल जाएंगे और आप इन स्मार्टफोन्स को काफी लंबे समय के लिए भी यूज कर पाओगे। इन स्मार्टफोन्स में आपको डिस्प्ले काफी ब्राइट देखने को मिल जाएगी, गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा, सुपर हाई रिफ्रेश रेट, बड़ी बैटरी और बेस्ट कैमरा क्वालिटी, जहां पर आप 8K रेजोल्यूशन तक वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाओगे। तो गाइस, अगर आप भी सैमसंग के किसी ऐसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए सोच रहे हो जिसे आप 4 से 5 साल तक इजीली यूज कर पाओ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए। तो गाइस, लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन आता है सैमसंग का गैलेक्सी A53 5G। और स्मार्टफोन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर ही हमने इन स्मार्टफोन्स को अपनी लिस्ट में रैंकिंग के हिसाब से ऐड किया है। गैलेक्सी A53 5G को मार्च के मंथ में इंडिया में लॉन्च किया गया था, उस समय इस स्मार्टफोन की प्राइस 35,000 रुपए थी, लेकिन अभी फिलहाल ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 31,500 रुपए में मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए आपको इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक और सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन IP67 रेटिंग के साथ आता है, जो कि इस स्मार्टफोन को डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस बनाता है। NFC का सपोर्ट है, 10 5G बैंड, डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस, वर्चुअल रैम जिसकी मदद से आप 5GB तक रैम को एक्सपेंडेबल कर पाओगे, OTG कंपेटिबल हाइब्रिड सिम स्लॉट, मीन्स कि आपको इस स्मार्टफोन में अलग से माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, और लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और इसमें सैमसंग 4 ईयर्स तक का OS अपडेट और 5 ईयर्स तक का सिक्योरिटी अपडेट को ऑफर करेगा। मेन हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें तो गाइस, इस स्मार्टफोन के फ्रंट में इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 800 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। इट मीन्स कि इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी ब्राइट रहने वाली है और आउटडोर विजिबिलिटी में भी आपको कोई भी इशू नहीं होगा। इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर मिलता है, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और इसके रियर मेन कैमरे से आप 8K रेजोल्यूशन तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी भी आपको इसके फ्रंट और रियर कैमरे की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार चार्जर को बॉक्स में से रिमूव कर दिया है, तो चार्जर आपको इस स्मार्टफोन के लिए अलग से परचेज करना होगा। वहीं लास्ट में प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन सैमसंग के लेटेस्ट प्रोसेसर एक्सिनोस 1280 चिपसेट के साथ आता है, जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। एंटूटू स्कोर भी इसका 4.5 लाख से ऊपर है, जो कि स्मार्टफोन में ऑनलाइन हैवी गेम प्ले के लिए इनफ रहेगा। तो परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों ही इस स्मार्टफोन की काफी कमाल के देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी कंप्लीट फीचर्स गाइस आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, और अगर आपका बजट 31 से 32 हज़ार रुपए के अराउंड है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। वही लिस्ट में सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी A73 5G। इसके 8+128 GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 42,000 रुपए, और अगर आप ICICI के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 39,000 रुपए में मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो गाइस, इसके फ्रंट में इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन में नैरो बेजल्स के साथ में आने वाली 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 800 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। तो इसी स्मार्टफोन में भी आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है, तो फिर चाहे आप इसमें गेमिंग करें या फिर अपना फेवरेट कंटेंट कंज्यूम करें, दोनों ही हिसाब से इसके डिस्प्ले में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। कैमरे सेक्शन की बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर मिलता है, और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लगा हुआ है, और इसमें आप 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इसके रियर में गाइस आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जिसकी मदद से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन की भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और बॉक्स में इस स्मार्टफोन में भी चार्जर नहीं मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो गाइस, इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। एंटूटू स्कोर भी इसका 5 लाख से ऊपर है।
तो एंटीटू स्कोर से ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन की फ्लेक्सी प्लेबल की देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको इस स्मार्टफोन में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक है, सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी, IP67 रेटिंग, NFC, 9 5G बैंड, डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस, हाइब्रिड सिम स्लॉट और लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और इस स्मार्टफोन में भी आपको 4 ईयर्स तक का OS अपडेट और 5 ईयर्स तक का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। तो गाइज ये सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, और अगर आपका बजट 40,000 रुपए के अराउंड है और आप इन फीचर्स के साथ में किसी स्मार्टफोन को सर्च कर रहे थे तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। वहीं लिस्ट में लास्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, जो कि पहले नंबर पर आता है। ये स्मार्टफोन सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज का स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन को सैमसंग ने लास्ट ईयर मार्च के मंथ में लॉन्च किया था, तभी इस स्मार्टफोन की प्राइस 50,000 रुपये से भी ज्यादा थी, लेकिन अभी फिलहाल ये स्मार्टफोन आप सभी को सिर्फ 40,000 रुपये में मिल रहा है और 6,000 रुपये का अलग से कूपन डिस्काउंट भी मिल जाता है, और इसको अप्लाई करने के बाद में इस स्मार्टफोन की प्राइस 33,990 रुपये हो जाएगी। इस स्मार्टफोन में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी है, IP68 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस, NFC और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। मेन हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का सुपर हाई रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। ये स्मार्टफोन फ्लेक्सी ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है। मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। वहीं सेकेंडरी है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और थर्ड है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम और 30x स्पेस जूम तक का सपोर्ट मिल जाता है, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और इसमें 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको 15 वाट का फास्ट एडेप्टर मिलता है। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। एंटीटू स्कोर भी इसका 5 लाख से ऊपर है, और ये एक फ्लेक्सिप कैटेगरी का प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस भी आपको इस स्मार्टफोन की फ्लेक्सिप लेवल की देखने को मिल जाएगी, और डे टू डे डेली टास्क में भी आपको इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये सभी कंप्लीट फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है, फ्लेक्सिप लेवल का कैमरा मॉड्यूल है, 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग और फ्लेक्सिप प्रोसेसर, इन सभी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो गाइज अगर आप भी 34,000 से 35,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर सैमसंग का कोई फ्लेक्सिप लेवल का स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए सोच रहे थे तो ये एक बेस्ट टाइम हो सकता है इस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए। तो गाइज ये थे सैमसंग के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 40,000 रुपीज। बाकी गाइज आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर लगा प्राइस रेंज के हिसाब से, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।